जगनमोहन रेड्डी हैं उन पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर भी वो जो हैं वो सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की बात जो है वो कही जा रही है ताकि इस पूरे मामले का सच जो है वो सामने आ सके। वो जिस तरीके से तिरुपति में ये प्रसाद को लेकर पूरा विवाद हुआ, ऐसे में अब ये बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि आखिर आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि तिरुपति विवाद में जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो घी बनाने वाली कंपनी है उस पर भी जांच जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सभी भक्तों को चौंका दिया है। हर कोई लड्डू प्रसादम को लेकर डरा हुआ है। जो लोग शाकाहारी और कड़े हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली खबर है। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को लेकर हुए खुलासे के बीच कई सारी चीज़ें अब साफ हो रही हैं। सबसे पहले तो तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए जाने वाले घी की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ये बोर्ड है उसने कहा है कि पवित्र मिठाई की पवित्रता जो है वह बहाल कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया है। सुमित झा हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ इस वक्त सीधा तिरुपति से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से इस मामले को लोगों की आस्था के विषय के तौर पर देखा जा रहा है और इसे एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो आस्था के साथ कहा जा रहा है। आप तिरुपति में मौजूद हैं, वहाँ जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके मन में इस पूरे विवाद के बाद क्या कुछ सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और क्या इस पूरे मामले के बाद से जो मंदिर में श्रद्धालु हैं उनमें डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या चिंताएं हैं, ये सब कुछ जो है वो आप बताइए। बिल्कुल चंदन, देखिए मैं तिरुपति बालाजी मंदिर में ही मौजूद हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी कैमरामैन से बताऊँ कि वो देखें इस दृश्य को। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अमूमन रहती है ऐसी ही, और भीड़ वैसी ही है। श्रद्धालु आते हैं, तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं और लड्डू प्रसाद के तौर पर जो है वो यहाँ पर ले जाते हैं अपने परिजनों के लिए। तो कुछ श्रद्धालु आए हैं दर्शन, आपने दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन कर लिया सर। आपने लड्डू लिया है, एक बार दिखाइए। तो ये वो लड्डू है, ज़रा आप दिखाइए, यही वो लड्डू है। और ये लड्डू श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं प्रसादम के तौर पर अपने परिवारजनों के बीच में, बच्चों को। क्या विश्वास है इस लड्डू को लेकर? लड्डू में बहुत तो टेस्ट रहता, अच्छा रहता। तिरुपति का ये इंडिया में नंबर वन है, ये फेमस तिरुपति का लड्डू अच्छा है। लेकिन अभी जो लड्डू को लेकर कुछ खबर आई, न्यूज़ आए, कुछ मिलावट वाली खबर आई कि इससे पहले कुछ थे, एक दो दिन का पीछे से बोल रहे थे, अभी तो कुछ नहीं है सर। अभी कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हो रहा था, इससे पहले भी लोग ले जा रहे थे ऐसे विश्वास के साथ। आप अभी ले जा रहे हैं एक विश्वास के साथ, इससे पहले भी लोग ले जा रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या क्या मिला है, सुअर की चर्बी या फिर जो तमाम चीज़ें ऐसी, फिश ऑयल है। एक विश्वास के साथ धोखा किया गया, वो तो पता नहीं सब। लेकिन अभी दो दिन का पीछे से ऐसा बात हो रहा थे, अभी तो कुछ नहीं सब अच्छे, अभी फिर से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तक जो हुआ, जिन लोगों ने किया, एक गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है कि भाई हम तो आते हैं लड्डू ले जाने के लिए अपने परिवार वालों को, लेकिन उसकी शुद्धता ऐसी नहीं है। अब तक जिन लोगों ने भी किया, कार्रवाई चाहते हैं आप लोग की? कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए सब, वो तो होना चाहिए। लेकिन इन लोग को तो पता नहीं सब, भक्ति लोग को तो पता नहीं है, लेकिन विश्वास से आ रहे थे इधर आकर दर्शन करके लड्डू लेके जाते थे ना सर। लड्डू तो फेमस जी, तो ये वो लड्डू है सर, मैं अपने हाथों में भी रख रहा हूँ। और अच्छा, आप इससे पहले भी आप आते होंगे तो फर्क लड्डू में कितना आया है? फर्क तो कुछ भी नहीं, पहले थोड़ा अच्छा या अभी? क्वालिटी था सब, क्वालिटी था, राउंड था, अच्छा था, टेस्टी था सर। पहले क्वालिटी था, क्वालिटी था, एक नंबर। अभी का क्वालिटी है सेम है, क्वालिटी है, अभी भी क्वालिटी है, क्योंकि बचपन से लोग यहाँ पर, बहुत सालों से यहाँ लड्डू ले जाते हैं, बचपन से सब फेमस है। अभी जो इसमें अब लड्डू है, पहले जो लड्डू, ये कैसा?
तेलुगु। आप इंग्लिश बोल सकते हो? इंग्लिश नहीं। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो। लड्डू पहले भी आप ले जाते थे, बचपन में भी आपने खाया होगा? पहले अच्छा था, अभी थोड़ा डाउन हुआ है क्या अम्मा? तो ठीक है, ये आप ले जाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। और इसका एक समझिए कि विश्वास है कि चंदन की इस लड्डू के ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनको ये लड्डू बांटते हैं और ये माना जाता है कि वो भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है। तो ये अभी चूँकि कुछ देर पहले आज ही की खबर है, सोशल मीडिया पर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो शुद्धता है हाँ, उसको बरकरार कर लिया गया, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। जी सुमित जी, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि कोशिश हो रही है। जी सुमित, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में अब जांच की बात जो है वो कही जा रही है। कई बीजेपी के नेता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे इस पूरे मामले की जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आप किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ जिसने भी किया है और जो उस लड्डू को लेकर गए यहाँ से ये सोचकर कि ये शुद्ध है, पवित्र है और भगवान का आशीर्वाद समझकर, भोग समझकर वो अपने परिजनों के बीच बांटते रहे, उन्हें ज़रा से भी भनक नहीं थी कि इसमें क्या कुछ मिला हुआ है, जिस घी के साथ बना हुआ है वो घी इतना खराब है। कुछ और श्रद्धालु जाँच के दायरे में ज़रूर, अभी सेंट्रल एजेंसी FSSAI इसकी जाँच करेगा, जैसा कि कल JP नड्डा ने कहा। आज विजयवाड़ा में CM बाबू नायडू के साथ जो ट्रस्ट के अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों की एक अहम बैठक होनी है और ये बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कैसे अब ये जो शुद्धता है उसे और बहाल किया जाए, विश्वास को और बहाल किया जाए, जगाया जाए, क्योंकि विश्वास पर चोट पहुंच जाए। लड्डू फ्रेश मिलेगा, ये सवाल देखिए अभी भी है, ये सवाल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताइए। अच्छा, ये सवाल क्यों है आपके मन में? क्योंकि हम लोगों ने इतनी न्यूज़ सुनी है इसीलिए। लेकिन मैं आज लग रहा लड्डू नहीं खाऊंगी, मैं मुझे लग रहा है ऐसा कि लड्डू नहीं खाना चाहिए। क्यों? वही इसमें मिला हुआ है नॉनवेज वगैरह, तो ये है तो हमारे खिलाफ है, हम लोग तो वेज पूरे प्योर वेज है, तो लड्डू क्यों खाएंगे प्रसाद।